सेक्शन में। वो जो लड़के हैं जो नीला कुर्ता पहने हुए हैं उनको बहुत दिक्कत है, वो हर सवाल पे खड़े हो जाते हैं और उत्तर में कुछ भी बोलने लगते हैं। उनकी अगर उनसे उनकी कुर्सी संभाली नहीं जा रही है, दे दे हमें, हम संभालने में बहुत अच्छे हैं। दे आर द ऑपोजिशन, द ओनली वन जॉब दे हैव टू इज टू टैप द टेबल एंड कंप्लेन अबाउट अस, एंड इफ यू बिलीव देम आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। सबको खरीद लिया गया है, स्पीकर को छोड़ के, स्पीकर को छोड़ के सबको खरीद लिया गया है। स्पीकर तो रूलिंग है पार्टी का रहा था, उल्टे बोल रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं खरीदा गया है, जवाब मिला है पर चेंज कहा है। ये सही बात है, जब उनके पास खुद का उत्तर नहीं होता तो किसी पे भी इल्जाम थोप के वो बोल देते कि खरीदी हुई सरकार है, इन्हें खरीदा गया है बड़े रकम दे के। वो लोग सिर्फ भाषण देते, परिवर्तन नहीं ला सकते 10 साल। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट। फिलहाल अभी हम श्रीराम सेंटेनियल स्कूल में आए हैं और आपको यहाँ पर दिखा दें फर्स्ट स्टूडेंट्स मॉक पार्लियामेंट। आपने पार्लियामेंट के बारे में बहुत सुना होगा और वहाँ पर ताली और गाना बजाना सब कुछ सुना होगा, और किस तरह की झगड़ा चलता रहता वो भी आपने सुना होगा। और इस वक्त हम फिलहाल इस स्कूल में आए हैं, देख सकते हैं आगे आपको स्पीकर भी बैठे हुए दिखेंगे। और उसके बाद और बड़ी चीज़ दिखाता हूँ कि इस तरफ पक्ष के लोग हैं और उस तरफ विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। और इस यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहिबा भी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वोमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, मतलब हर एक मिनिस्टर आपको यहाँ पर बैठे दिखेंगे। और उससे भी बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पर ये लोग का डिबेट सेशन भी चलता है, मतलब अगर यहाँ पर किसी मुद्दे पर बहस चलती है तो पक्ष विपक्ष की जो प्रतिक्रिया होती है उस पर बातचीत चलती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ही बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों की आज किस मुद्दे पर, आज का क्या प्रोग्राम, किस बात को लेकर के डिबेट चल रहा है? आज ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत सारे मुद्दे पे पूछा है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है सबको क्वेश्चन किया है। कौन जिसमें आप लोग उनको मतलब सेटिस्फाई कर पाए हो आप? हाँ जरूर, ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर दिए। हाँ चलिए, अब वो उधर से भी सवाल पूछ लेते हैं कि आप लोगों पे उन्होंने, आप लोगों ने जो भी सवाल पूछा था, जो भी उन लोगों ने जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग नया नया प्रोग्राम जो लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपोजिशन ने बहुत सारे सवाल किए और आप लोगों को सेटिस्फाई कर दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एकदम झूठ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। हम लोग का काम है यहाँ पे बैठ के अपने अपने लोगों के लिए सवाल उठाना, अपने लोगों के अच्छाई के लिए सवाल उठाना। जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। दो बातों से हम लोग, दो जवाबों से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो जवाब आपको मिला है? जवाब मिला है पर चेंज कहाँ है? चेंज नहीं है। चलिए चलिए, यहाँ पर एक और सवाल आ गया, जवाब मिला है लेकिन चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो सीधा सवाल आ रहा है कि जवाब तो आपने दिया है लेकिन चेंजिंग कुछ नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? वी जस्ट लाइक टू से दैट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड दिस इन आर टेन्योर विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ दे रेज क्वेश्चंस वी आर आंसरिंग दैट, एंड इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड देन वी विल आल्सो डू दैट। मतलब इनका कहना है कि जब तक इनका टेन्योर है उसमें ये लोग करेंगे, और जब तक इनका सवाल आएगा उससे इन लोगों को करके भी दिखाएंगे। उन लोगों का कहना आया है कि जब तक उनका टेन्योर है, जब तक उनका शासनकाल रहेगा, तब तक वे उसको ख़त्म कर देंगे जो भी आप लोगों का शिकायत है, तो इस पर क्या कहेंगे? जब तक उन लोगों का शासन रहेगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि वो लोग कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो लोग बस शायरी पे शायरी दे रहे। क्या क्या? वो लोग सिर्फ भाषण देते, परिवर्तन नहीं ला सकते 10 साल। वो लोग सिर्फ भाषण दे सकते हैं, परिवर्तन नहीं ला सकते। अभी देखिए इस पर क्या कहते हैं, आप लोग सिर्फ भाषण दे सकते हैं, परिवर्तन नहीं ला सकते, ये ऐसा उनका कहना है। They don't know the value of words, that's why they say that. I think one of the most powerful speeches, Trust and Destiny, was given by Jawaharlal Nehru on the day of our independence. I think it has made a huge impact on the country. In the same way. अभी उनका सवाल था कि आपके जो पक्ष के कोई डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर किन्हीं ने कहा था कि हम लोग अपने शासनकाल में इनका ये भी शिकायत दूर कर देंगे काम करके, लेकिन उन लोगों का कहना कि सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है, इस पर क्या बोलेंगे? They are the opposition. The only one job they have to is to tap the table and complain about us. And if you believe them, I think you might be mistaken. अच्छा, यहाँ पर इनका एक और जवाब आया आप लोगों के लिए। उनका कहना है कि वो लोग सिर्फ अपोजिशन हैं और अपोजिशन का काम वो बस बोलने में निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहें? हमारा काम सिर्फ बोलना नहीं होता है, हमारा काम होता है बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठाना, और उनके प्रश्न हम इनसे पूछते हैं, पर इनका ये सही जवाब नहीं दे पाते हैं और ये परिवर्तन नहीं लाती है, और हम जनता के लिए बोलते हैं और हम बेकार नहीं बोलते हैं। आप जनता के लिए बोलते हैं और वो लोग किस बात, किसके लिए बोलते हैं? अपने सरकार को बचाने के लिए, अपने सरकार को। क्या क्या क्या? हम जनता की बात इनके पास पहुँचाते हैं।
कि उनके क्या प्रश्न है और फिर ये जवाब देते हैं, लेकिन ये जवाब इनके सही नहीं होते हैं, सही नहीं होते, नहीं होते हैं, भाषण देते हैं बस, इनको बस अपनी तरक्की से मतलब है, देश की नहीं। अच्छा आपसे भी एक सवाल होगा, आप ये कुर्ता उर्ता पहन करके और आपकी कुर्सी आपको खड़े होने में भी दिक्कत हो रहा था बहुत देर से, मैं आपका डिबेट देख रहा था, इस पे क्या कहेंगे? खड़े होने में दिक्कत नहीं हो रहा था मुझे, वो लोग ऐसा ऐसा बेतुका जवाब दे रहे थे तो मैं बस बता रहा था कि उनका जवाब सही नहीं है और वो उन्हें बस आरोप लगाना होता है। वो लोग तो ये भी चिल्ला चिल्ला के बोले थे कुर्सी हटा दीजिए। मैं जनता क्या बोल रहे हैं, उनकी कुर्सी हम छीनेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। उनकी कुर्सी ये लोग छीन लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। झूठ बोलती है, क्या परिवर्तन ये लोग लाए, उनके बाद जनता ने हमें चूज किया इस पोस्ट के लिए, तब हम यहाँ बैठे। अच्छा एक सवाल होगा, उनके कुर्सी पर किनको सवाल था पहले ये बताइएगा, कि आप लोगों को मतलब उनको उठने में भी प्रॉब्लम होता है? वो जो लड़के हैं जो नीला कुर्ता पहने हुए हैं उनको बहुत दिक्कत है, वो हर सवाल पे खड़े हो जाते हैं और उत्तर में कुछ भी बोलने लगते हैं। उनकी अगर उनसे उनकी कुर्सी संभाली नहीं जा रही है, दे दे हमें, हम संभालने में बहुत अच्छे हैं। आप तो पक्ष में बैठे, विपक्ष में जाके बैठिएगा। बिल्कुल नहीं, उनसे बैठा नहीं जा रहा है, वो सवाल क्या पूछेंगे हमसे, अब बैठा ही नहीं जा रहा है। मतलब आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर काफी छात्र एवं छात्राएं, ये स्कूल का एक अनोखा पहल है और ये स्पेशली पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसको कॉपी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज आपको और यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स भी बैठे हुए हैं, अब देखिए यहाँ पर चार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा कैसा लगा आप लोगों को आज की बहस के बारे में, क्या क्या नोट हुआ है अभी तक? बहुत कुछ नोट हुआ है, मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने ज़्यादा पंच लाइन्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है और अलग है, और हम लोग का काम आई गेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं होंगे तो बिल पास नहीं होगा। तो अभी के बहस में क्या बिल पास होगा? जी ज़रूर होगा, मतलब पक्ष जीत चुकी है, मतलब अपनी जो बात रखी थी उस पर वो लोग आप लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं? अभी पक्ष जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो जितने भी उन्होंने सवाल पूछे हैं उस पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि जवाब दिया और पंचलाइंस भी उन लोग के बहुत अच्छे थे, तो मैं कहाँ चाहूँ जजमेंट निकलने में अभी समय है। देखिए अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सेक्रेटेरियट्स लोग भी कह रहे हैं आप लोगों पर वो भारी पड़े हैं और बिल को भी पास कर दिया जाएगा, अब इस पर क्या कहेंगे आप लोग सोच लीजिए। इनको भी खरीद लिया गया है? नहीं, जो चीज जो सवाल का जवाब वो लोग नहीं बता पाते हैं, वो लोग उस सवाल को लोग बदल लेते हैं। क्या इन्हें खरीदा गया है बड़े रकम दे के? मतलब विपक्ष रियलिटी में यही काम करती है, जब हार जाती है तो यही करती है। यही देखिए इन लोगों का कहना है कि जब विपक्ष बोलने में मजबूती नहीं दिखा पाती है तो आरोप लगा देती है, इन लोगों को भी खरीद लिया गया है। सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई है कि जब विपक्ष बोल नहीं पाएगा तो कह देगा कि वो इन्हीं को खरीद लिया गया है, सही बात है? ये सही बात है, जब उनके पास खुद का उत्तर नहीं होता है तो किसी पे भी इल्जाम थोप के वो बोल देते हैं कि खरीदी हुई सरकार है। चलिए अब देखिए कुछ पीछे बैठे हुए हैं लोग, इनसे भी बात करते क्योंकि इन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा एक बात बताएगा, आप लोग पीछे बैठे हुए हैं बैक बेंचर्स बन के बैठे हुए हैं क्या? नहीं बैक बेंचर्स नहीं, पार्लियामेंट में सबका सेम लेवल होता है, कोई भी एमपी हो उसका सेम दरिया होता है रिस्पेक्ट का। बोलना अरे वाह ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात बोल दिया इस बच्चे ने। कौन सा मंत्रालय है आपका? एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन पढ़े लिखे ही होंगे। एमपी हैं। यस। चलिए और इतने कम एज में इतनी बड़ी बात बोलना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा आप लोग क्या होमवर्क वोमवर्क बना रहे हैं क्या बैठ? नहीं होमवर्क नहीं बना रही थी मैं, बीच में ब्रेक मिला था तो मैं एक्चुअली बहुत दिनों से एब्सेंट थी तो बीच में ब्रेक मिला था तो यहाँ के एमपी साहिबा होमवर्क भी बना रहे हैं बैठ करके, नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। चलिए ये हमारे जो श्रीराम सेंटेनियल स्कूल का एक अनोखा पहल है, और सबसे बड़ी बात बताऊं अब थोड़ा स्पीकर साहिबा भी उधर बैठे हुए हैं और एडवाइजर भी बैठे हुए हैं, अब देखते हैं एडवाइजर का क्या रोल है पहले, उसके बाद स्पीकर साहिबा के भी पास चलते हैं। अच्छा क्या आप लोग यहाँ बैठ के क्या पता चला आप लोगों को? That everything is going really very well, and yeah, we are here to give advice to the ones who are for the bills and all, and if any decision is making, so we can give advice to them and include something very new and make a change in the things which is wrong. किनके support में आप advisor दे रहे हैं? ये भी बताएगा कि सवाल उठ जाता है कि advisor भी मिला हुआ है। Personally, I think the ruling party is really going very well yet, so ruling party. अब आप लोगों के लिए एक और बात। एडवाइजर भी बोल रहे हैं रूलिंग पार्टी अच्छा कर रही है, इनको भी खरीद लिया गया है, ये भी बिक गए आप पे
एक बात बताइए, आप आए दिन बलात्कार, एसिड हमला, हत्या के केसेस खुद देखते हैं, आप खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, आए दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ऐसी बातें लिखी रहती है और ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट है एजुकेशन सिस्टम में, आए दिन न्यूज़पेपर्स कवर करते रहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनको ABC तक नहीं आता है, 1-3 तक नहीं आता है, ये सब देख के ये सब देख के मेरे को दिल से बहुत गिल्ट होता है। समस्या है, कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष क्या 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 सबको खरीद लिया गया है, स्पीकर को छोड़ के सबको खरीद लिया गया है। स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का रहता है, उल्टे बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं खरीदा गया है, वो हमारा भी साथ देते हैं। देते हैं। चलिए इतने सब कुछ में इनका भी कुछ कहना है, सेक्रेटेरिएट साहब का भी बोलिए। अगर हम लोग बर्तन को बजाएं तो बचते ही हैं, और अगर हम लोग बर्तन को बजाएं तो बचते ही, अगर सच बोले तो उन लोग को खटकते ही हैं। अरे वाह, मतलब आप भी सपोर्ट में बोल रहे हैं। फिर से विपक्ष पर सवाल, मतलब विपक्ष इतना डाउन क्यों होता जा रहा है, हर वक्त विपक्ष पर सवाल उल्टा आ जा रहा है, सब बिक चुका है। अपोजिशन जो हमारे है वो लोग जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उन लोग को खरीद रहे हैं अपना, मतलब अब आप लोग देखिए यहाँ पर जितना भी अभी तक सबसे पूछ रहा हूँ, क्या 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 इधर 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 क्या 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 यहाँ पे जितने भी एडवाइजर और सेक्रेटेरिएट है सब सरकार के चोचले हैं, सब। ये भी बड़ी बात, सबके सब सरकार के चोचले हैं ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा एडवाइजर साहब, आप लोग भी एडवाइजर ही है ना क्या? अच्छा प्रेस वाले हैं, अच्छा चलिए तब तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एडवाइजर लोग भी यहाँ पर, देखिए एडवाइजर से भी सवाल किया। अब आते हैं सबसे बड़े स्पीकर साहिबा के पास, अब इनसे जानते हैं। अच्छा मैम, किसके तरफ का पलड़ा भारी रहा, इस पर क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी था? देखिए पलड़ा तो दोनों तरफ का भारी है, मैं इधर नहीं जाऊंगी इधर नहीं जाऊंगी, यहाँ पे हम अपने भारत की विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इधर का भारी है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। इधर के लोग जो प्रश्न उठा रहे तो इधर के लोग सही तरह से जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब पे अगर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या मोटिव क्या है कि हम जो खुद कुछ सीखेंगे और दूसरों को कुछ सिखाएंगे, एक है आप लोग की तरफ से, और दूसरा है हम लोग के जूनियर्स को। तो हम लोग, मेरा कहना है कि मैं इधर भी नहीं हूँ, मैं बीच में हमेशा बीच में है, लेकिन कौन से किस पार्टी का मतलब वो दबदबा बना है? दबदबा तो मैं फिर से कहूँगी कि पक्ष वाले को ही बड़ा। देखिए फिर से एक और बात, आखिर में इस जो रूलिंग पार्टी वो जीत चुकी है, और डिबेट में भी जो रूलिंग पार्टी है उसी को बोला गया स्पीकर के भी द्वारा, स्पीकर के भी द्वारा कहा गया है कि आप ही लोग का पलड़ा भारी रहा है, और आप ही लोग का सारा जो भी बिल होगा सब पास कर दिया जाएगा, वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं। सर ये क्योंकि ये सच बात है, हमारे पास जवाब है, उनके पास सिर्फ क्वेश्चन है, और हम और बस ताली पीटने की उनके पास वो एबिलिटी है, हमारे पास आंसर है, इसलिए हम जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कहना चाहूँगा, और इस स्कूल के जो इस स्कूल के इंचार्ज है, जो डायरेक्टर हैं, और जो इसका ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए हैं, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस तरह का एक नया मुहिम एक स्कूल में एक सिस्टम में इसको तैयार किया गया है, और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मिसाल भी बनेगा, क्योंकि किसी भी स्कूल में इस तरह का जो चुनावी कोई भी लोग पढ़ते लिखते हैं ना, तो गार्जियन ये नहीं कहते हैं कि मेरा बच्चा नेता बनेगा, सब लोग यही कहते हैं कि मेरा बच्चा IAS IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन पॉलिटिशियन बनेगा ऐसा कोई गार्जियन नहीं कहते हैं। खैर आखिर में बस ये बोलना चाहूँगा कि जो इस तरह का मुहिम है, इस तरह का सपोर्ट करिए, और अभी हम जो श्रीराम सेंटिनल स्कूल के पास खड़े हैं, और यहाँ पर मॉक पार्लियामेंट चलाया गया है, और स्टूडेंट के द्वारा, सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये लोग कोई नेता नहीं है, ये लोग कोई जीते हुए MLA MP नहीं है, ये लोग एक सिर्फ छात्र हैं और छात्राएँ हैं, और इन लोगों के द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और इस तरह का जो अभियान चलाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।